नमस्कार दोस्तों, मैं रवि राजपूत आपका HSSC चक्रव्यूह में स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में। इससे पहले भी हमने मैथ और हरियाणा जीके की वीडियो अपलोड कर दी है, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। अभी हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि 23 और 30 तारीख को बच्चों का पेपर है। हम चलिए अब हम शुरू करते हैं हरियाणा जीके के बारे में। हरियाणा जीके, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा की। तो आपको पता है हरियाणा बना कब था? अपना 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, तो उस टाइम पर अपने यहाँ पीएम कौन थे इंडिया के? तो वो थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी पीएम थी उस टाइम पर। और आपके जो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम पर? प्रेसिडेंट थे अपने यहाँ सर्वपल्ली राधाकृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण प्रेसिडेंट थे। और जो आपके उपराष्ट्रपति वो डॉक्टर जाकिर हुसैन, कौन थे? जाकिर हुसैन। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा भाई, जब हरियाणा बना तो उस टाइम पर अपनी इंदिरा गांधी पीएम थी, जो आपके प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और जो आपके उपराष्ट्रपति यानी कि जाकिर हुसैन थे। अभी आज मैं आपको बताने वाला हूँ हरियाणा की पुलिस रेंज। सबसे पहले बात करेंगे हम पुलिस रेंज में कमिश्नरी की। हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी कितनी है? वो है 3। सबसे पहले पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। ये 3 के आपकी हरियाणा में पुलिस कमिश्नरी है। तो आगे देखिए, पुलिस कमिश्नरी के बाद हम बात करेंगे पुलिस रेंज की। हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है? तो हरियाणा में पुलिस रेंज है 5। 5 पुलिस रेंज है। तो एक तो है अंबाला पुलिस रेंज, अंबाला पुलिस रेंज। नंबर 2 पर आपकी करनाल पुलिस रेंज। नंबर 3 पर आप रोहतक पुलिस रेंज। और नंबर 4 पर है हिसार पुलिस रेंज। और नंबर 5 पर है, नंबर 5 वाला जो नीचे का पूरा जो साउथ में है, वो उनका इकट्ठा, तो उनको नाम दिया गया है साउथ पुलिस रेंज। क्या नाम दिया गया? साउथ पुलिस रेंज, जिसका जो मुख्यालय होगा वो कहाँ होगा? रेवाड़ी में। रेवाड़ी में इसका मुख्यालय होगा। तो अपने यहाँ 5 पुलिस रेंज है और 3 पुलिस कमिश्नरी है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। अभी हम बात करते हैं आपके यहाँ मंडल की। हरियाणा में मंडल कितने हैं? 6 हैं। तो इन 6 मंडल में किस मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है, तो हम लोग वो बताएं, वो बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले हम मैं बात करूंगा हिसार मंडल की। तो हिसार के अंतर्गत कौन आता है? तो हिसार खुद हो गया, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, तो ये आते हैं हिसार के अंतर्गत। हिसार मंडल के अंतर्गत आपके हिसार खुद हो गया, फतेहाबाद, सिरसा और जींद। नंबर 2 पर हम बात करेंगे अब गुरुग्राम। तो गुरुग्राम मंडल के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? एक तो स्वयं गुरुग्राम हो गया, गुरुग्राम खुद होता है, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। तो 3 आते हैं गुरुग्राम के अंतर्गत, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी। नंबर 3 पर रोहतक। रोहतक के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? रोहतक के अंदर आएगा रोहतक, झज्जर, भिवानी से एक नया जिला अलग हुआ है चरखी दादरी, तो वो भी किसके अंतर्गत आएगा? रोहतक मंडल के अंतर्गत ही आएगा, चरखी दादरी। और एक कौन सा आएगा? सोनीपत, सोनीपत। तो अभी फिलहाल प्रेजेंट में सबसे बड़ा मंडल कौन सा हो गया आपका? रोहतक ही है सबसे बड़ा मंडल। नंबर 4 पर हम बात करेंगे अंबाला। अंबाला मंडल के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अंबाला आता है, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र, ये आते हैं अंबाला मंडल के अंतर्गत। 2 नए मंडल ऐड किए गए हैं आपके, उनमें से एक है करनाल और फरीदाबाद। तो अभी कितने मंडल है? 6 हैं, पहले कितने थे? 4। तो 2 नए मंडल ऐड किए गए हैं। तो इन मंडल के अंतर्गत कौन कौन से थे? करनाल, करनाल के अंदर खुद करनाल हो गया, पानीपत और कैथल, फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? मेवात,
मेवात जिसका नाम चेंज कर दिया, अभी क्या बोलते हैं इसको, नू बोलते हैं, पलवल। और आपका फरीदाबाद मंडल के अंतर्गत आता है मेवात, पलवल और फरीदाबाद खुद। तो ये आपके हो गए 6 मंडल, इनके अंतर्गत आते हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ हरियाणा, हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हो गए आपकी, पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद। और आपका 5 पुलिस रेंज होगी, अंबाला, करनाल, रोहतक, हिसार और साउथ पुलिस रेंज। साउथ का मुख्यालय कहाँ होगा, रेवाड़ी में। देख लीजिए अभी हरियाणा, हरियाणा की स्थिति बताता हूँ मैं आपको। हरियाणा जब बना था तो वो था 18वां संविधान संशोधन, 18वां संविधान संशोधन के तहत बना था। और जो आर्टिकल था वो था 135। अभी हम बात करते हैं हरियाणा, हरियाणा का जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर और जनसंख्या घनत्व, इन दोनों में हरियाणा का भारत में 11वां स्थान है। कौन सा 11वां, जो आपका एरिया या क्षेत्रफल के हिसाब से है वो कौन सा स्थान हो जाएगा। तो आपका एरिया यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से 21वां स्थान, और पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, जनसंख्या के हिसाब से हरियाणा का जो नंबरिंग है वो हो जाएगा 18वां। और साक्षरता दर में कौन सा स्थान हो जाएगा हरियाणा का, साक्षरता दर में हरियाणा का हो जाएगा 15वां नंबर, जिसमें से साक्षरता दर में पुरुष साक्षरता दर कितनी हो जाएगी, जो पुरुष का साक्षरता दर है वो है 12वां नंबर। और महिलाएं पुरुष साक्षरता दर में कौन सा, महिला साक्षरता दर में हरियाणा का भारत में जो स्थान होगा वो होगा 18वां। और सेक्स रेशियो में बात करें तो हरियाणा का 29वां स्थान है। तो ये जो आंकड़े है वो सभी 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो अभी 2021 में दोबारा जब जनगणना होगी तो ये आंकड़े आपको चेंज हुए मिलेंगे। तो ये आंकड़े चेंज इस वजह से होंगे क्योंकि हरियाणा में कई स्कीम लागू की है आपके मनोहर लाल खट्टर जी ने। तो इसी वजह से आपका जो पूरा डाटा है 2021 में सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो आपको आज करेंगे सिर्फ इतना ही, मैं बहुत जल्दी अगली वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।